आप देख रहे हैं 100 टीवी लाइव। बुलंदशहर से रिपोर्टर इलियास अली। बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम ने दो युवकों को पकड़कर पीटा। पीड़ित युवकों के मुताबिक खुद को एसओजी टीम बताने वाली टीम सलमान खान फायरिंग मामले भी कर रहे थे सवाल। फर्जी एसओजी टीम ने युवकों को नशा कराकर बेरहमी से पीटा, छोड़ने की आवज में करीब 70,000 रुपए भी वसूले। मारपीट के बाद युवकों को वलीपुरा नहर के पास कार से फेंक कर फरार हुई एसओजी टीम। पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के अमियश हॉस्पिटल के पास की घटना। आरिस इस्लामाबाद। क्या हुआ? हमारे दोस्त की कॉल आई थी कि मुझे लेने आ जाओ, नहर पे मेरा तेल खत्म हो गया। हम चले गए वहाँ। वो खुर्जे के रहने वाले हैं चिंटू, उनकी कॉल आई तो हम चले गए उन्हें लेने। तो एकदम ही 6-7 जने आते हैं, उन्होंने हमें घेर लिया अपने ऑफिस एक वहाँ नहर के पास, वहाँ ले गए। वहाँ में नंगा वंगा कराया, खाली इंटरव्यू छोड़ दें, खाली निकलने कर वहाँ मारपीट करने लगे। हमने पूछी भाई क्या बात है, वो कहने लगे क्या बात, फिर मारने लगे। वो पिस्टन विस्टन ही जना क्या क्या थी उन्होंने, फिर नशा कराया उन्होंने। नशा कराने के बाद फिर मारने लगे, नहीं तुम ये करते हो वो करते हो। एसओजी टीम बता रहे थे अपने आप को कि हम एसओजी हैं, ऐसे ऐसे तुम ये करते हो, इसमें देखते हो वो करते हो। नहीं भैया हम तो पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, फिर मारने लगे हमें, नशा कराया, फिर हमें डंडों से जना काय काय से मारा। सलमान खान के ऊपर तो गोली चली थी, उनमें भी हमारा नाम, मतलब क्योंकि तुम्हारा उससे लिंक है कहीं। मैंने वो कहने लगे कि तुमने ही गोली चलवाई थी, कहाँ है वो पैसा, कहाँ से आता है ये वो, मतलब ये पूछने लगे। फिर मारा उन्होंने हमें, हमने उनके हाथ जोड़े पाँव पकड़े बहुत, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने हमें। फिर कहने लगे कि झाँक तेरे गोली मारेंगे, पिस्टन टांगने का, ये भी मुँह में मारी, टांगों में वांगों में सब में मारी। फिर हमें पता नहीं कहाँ ले गया, हमें नशे में कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर घर वालों से पैसे मंगाए, हमसे भी लिए, फिर हमें वो नहर पर फेंक दिए। क्या नाम है? मोहम्मद अमन नाम है, इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, 1 नंबर गली का। क्या हुआ आपके साथ? मुझे एक दोस्त ने, वो ना चिंटू नाम है उसका, उसने फ़ोन कर बुलाया, मैं बाइक में तेल ख़त्म हो गया है कि यहाँ को आ जा नहर पर। मैं और ये हम दोनों नहर पर पहुँचे तो वहाँ पर 4-5 आदमी दोनों में घेर लिया, वहाँ से बाइक बाइक छीन के हमारे, वो हमें कमरे पे ले गए वहीं पर ही, एक ऑफिस सा बना हुआ उसमें। क्या बता रहे थे अपना? एसओजी बता रहे थे, जो एसओजी की टीम है हम। फिर हमारे कपड़े वपड़े उतारे उन्होंने, टी शर्ट शर्ट उतारी, हमारा सारा सामान छीन लिया, फ़ोन बाइक की चाबी सब चीज़ छीन के, हमें बेल्टों से और क्या नाम है, बेल्ट थे, डंडे थे और बांस थे और पिस्टल थे, उन्होंने से बहुत ही मारा। और मारने के बाद यूँ करके तुम्हारा क्या नाम है, यूँ करके तुम्हारा उससे वो मर्डर से लिंक है, कभी किसी मर्डर से लिंक है, इसके सलमान खान में जो गोली चली है उसमें तुम्हारा लिंक है, कहीं लूट हुई है उसमें भी फोल्ड हो तुम, उल्टी सीधी बात बताने लगे। फिर ज़बरदस्ती हमें स्मैक पिलाई गई, स्मैक पिलाने के बाद फिर मारा गया, फिर कहने लगे यूँ करके, फिर हमारी वीडियो बनाई गई, तुम ये करते हो यूँ करके, गाड़ी में डाल के कभी मतलब पैर पर पिस्टल रखेंगे, यहाँ गोली मारें, घर से पैसे मंगा, वैसे गोली मारेंगे, घर से पैसे मंगा, चारों पांचों तरफ घुमाते रहे। जब लास्ट में आकर जब बिल्कुल ही हमने उम्मीद टूट गई हमारी, जब ज़्यादा नशा करा दिया, जब हम बेहोश हो गए, फिर वो हमें नहर पर छोड़ कर चले गए वहाँ से गाड़ी से। हमने उसको 30-35 हज़ार रुपये उन्होंने हमारे फ़ोन से ऑनलाइन कर दिए। फिर 30-31 हज़ार रुपये बड़े वाले भाई मेरे, वो MMR मॉल पे एक वो है ढावा छोटा सा कैंटीन, वो वहाँ पर उसको दिए थे, जब जाकर उन्होंने वहाँ पर हमें छोड़ दिया। FIR कर दी। हाँ,